हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एयरफोर्स के जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, एयरफोर्स के हैं ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखिएगा। डचों द्वारा स्थापित गुस्ताव फोर्ट किस किले का नाम था? तो सी पार्ट है इसका चिंसुरा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये भी आपका। चलिए, उस आंदोलन का नाम क्या था जो तुर्की के आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो चारों ऑप्शन देख लीजिए, तो बी पार्ट इसका यहाँ पे खिलाफत आंदोलन इसका राइट ऑप्शन था। उस समय तुर्की के आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, 28 नंबर है। देखिए, जामवंती कल्याण तथा उषा प्रणयम किसकी रचना है? चारों ऑप्शन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 28 का क्या होगा राइट ऑप्शन? यहाँ पर आपका ए पार्ट यहाँ पर राइट है, कृष्णदेव राव। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और चलिए देखिए क्या लिखा है, 29 नंबर क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है, जो जैव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? 30 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? चलिए, बी पार्ट यहाँ पे या राइट है, भूपटल एवं व ऊपरी मेंटल हो जाएगा, ऊपर मेंटल। ठीक है, दिया गया है यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञानिकों द्वारा छोड़े जाने वाले संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका सी पार्ट आयन मंडल याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और वह मंडल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इनको पेपर से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की जल धारा है? 32 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट है, जो अलगुहास राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह राजमार्ग जो उत्तर पूर्व राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, कौन सा है? 33 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन ए पार्ट है, NH31। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। दिया गया, फांसीवाद में इनके नेतृत्व पर विश्वास किया जाता है किस पे? देखिए, तो चारों ऑप्शन को देख के राइट ऑप्शन बताइए, तो इसका यहाँ पर राजनीतिक संभ्रांत वर्ग। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग होता है, जो वो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके सलाह पर की जाती है? राष्ट्रपति होता है वो किसकी सलाह पर करता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? चलिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके सलाह पर आपके होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया, 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और होने का समय क्या क्या थी? तो वो बताइए इन चार ऑप्शन को देख के, तो राइट ऑप्शन की बात है, 36 का एक प्रभुत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कर राजस्व के साधनों में कौन सा एक साधन अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा, इन चारों ऑप्शन को देख के बताइए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में कौन आता है, इन चारों ऑप्शन को देखिए पहले। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे सीमा शुल्क यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, सी पार्ट राइट है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा, इन चार ऑप्शन को देख के बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जन चेतना पैदा करना, ठीक है, 38 का यहाँ पे डी पार्ट राइट था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे एक खाली बर्तन में जल भरा जाता है उसकी ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है? जैसे कि आपका गिलास है, ठीक है, बर्तन है, गिलास का बर्तन है, ये गिलास है, उसमें जल भरा जा रहा है, धीरे धीरे भर रहा है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति पूछी गई है, तो उस समय क्या हो जाएगी, घटेगी बढ़ेगी, समान रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, तो जल भरने से उसकी जो आवृत्ति होती है वो भी बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो भी इंक्रीज करी जाती है, तो बढ़ती है। 40 नंबर क्वेश्चन है दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसर किरणें पुंज अपने किस गुण के कारण दूर तक बिना बिखरे पहुंचती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन उच्च कला संप्रदता हो जाएगा। नेक्स्ट है, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस बल की अनुपस्थिति में पन्नों पर पेन की सहायता पर लिखना संभव नहीं हो सकता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आता होगा सबको। तो इसका घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है जो, और जो घर्षण बल होता है वो आपका असंरक्षी बल होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, असंरक्षी बल होता है, ध्यान रखिएगा। और लिखा है ये, इसका तो बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, चार ऑप्शन को देखिए जरा, 42 का। चलिए तो 42 का क्या होगा राइट ऑप्शन, पहले चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। चलिए तो CCl फोर्स है, संयोजक बंध होता है इसमें, होता है तो सही है। NaCl आयनिक बंध सही है, CH2H4OH होता है जो एथिल अल्कोहल होता है, और ये ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध ये भी राइट है, PH3 में उपसंयोजक बंध है, ये आपका गलत है, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो इसका जो PH3 राइट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये घर्षण बल का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है आप, अगला क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 43 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड का, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट है आयोडीन का फॉर्म, आयोडो फॉर्म का उपयोग डैश में किया जाता है, आयोडो फॉर्म पूछा गया है, तो ये बताइए जाना, 44 नंबर क्वेश्चन है ये पार्ट, पूर्तिरोधी में किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल है, तो 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सी ऑप्शन है स्पाइरुलिना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं पूछा गया है, 46 नंबर क्वेश्चन है, डायरिया होता है आपका जीवाणु जनित रोग, निमोनिया भी होता है, तपेदिक भी होता है, लेकिन जुकाम होता है वो आपका नहीं होता, तो यहाँ जीवाणु जनित रोग नहीं पूछा था, तो इसका जो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, साबुन के जो पतले जो झाग में चमकदार दिखाई देते होंगे आपको, तो उनका कारण क्या होता है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, 47 नंबर क्वेश्चन, इसका पर्तन और व्यतिकरण होता है, क्या होता है फिर से देख लीजिए, इसका तो ये बी ऑप्शन, तो इसका परावर्तन और व्यतिकरण होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आर्की आप्टेरिक्स का जीवाश्म किसके उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है, तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका जो सी पार्ट है सरीसृप 25 से, ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है कंप्यूटर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के काम में आता है, अनुवादित करने के काम में आता है, तो देखिए क्या होगा, कंपाइलर हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों है, ठीक है। चलिए तो राइट ऑप्शन आपका एक ए और बी दोनों है, ठीक है। सोनल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका नेवी डबल SSR MR और एयर फोर्स तीनों में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हैं, तो ये आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, चार ऑप्शन को पहले देखिए क्या होगा, यहाँ पे भरतनाट्यम राइट हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सोनल माल सिंह किस नृत्य से जुड़ी हैं, तो आपका भरतनाट्यम यहाँ पे 50 का ए ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस।